देखो क्या लड़ाई हो रही है इन दोनों की। क्यों लड़ रहे हो दोनों? ये मतलब ये कोकोनट का टुकड़ा है जिसके लिए इन दोनों की लड़ाई चल रही है। वो भी बराबर की टक्कर दे रहा है। मेरे तो मजबूत है, बराबर की टक्कर दे जीती जाए। मैं को खींच ले, खींच देना नहीं पापा को, खींच खींच। पावर ऑफ रॉटवाइलर, वाओ मैक्स खींच। यस देखो कैसे अपना यहाँ पैर लगाया है। तू आप भी पीछे पैर लगाए ज्यादा, आप चीटिंग मत करो। ये भी लगाया अपना। अच्छा तो आपने सही वाला, उसका जोर इस पैर में ज्यादा है। हाँ इसे ग्रिप बनाता है वो अपनी। तुम दोनों ना चोट वोट मत लगा देना लड़ाई में। उसकी नाक में क्यों कर रहे हो अविनाश? मैक्स जितना यस यस मत दे पापा को। मैक्स खींच, ये खींच। यस मैं जीत गया। उसको उल्टा पड़ रहा है इसलिए आप ज्यादा हीरो मत बनो। आपने उसकी गर्दन भी पकड़ रखी है। उसने आपकी गर्दन पकड़ी है? गर्दन पकड़ेगा तो पहुंच जाऊंगा भगवान के पास। लड़ाई हो गई। सो रही, मैं तुम दोनों को ना कमरे से निकाल दूंगी। दोनों पागल हो गए हो? रीवा उठ जाएगी यार तुम दोनों के ड्रामे से। खेल रहे इसको भी ऐसे ही खेल पसंद आते हैं। अग्रेसिव ब्रीड है, मत करो, फाड़ देगा बीच में से। मत करो अविनाश, वो बहुत अग्रेसिव ब्रीड है। अग्रेसिव ब्रीड है, फाड़ देगा बीच में से यार, अपने मालिक को खा जाएगा। हाँ ये तो हम क्या अक्सर सुनते हैं, ये वही ब्रीड है ना जो अपने मालिक को भी नहीं छोड़ती। मेरा मालिक को खाएगा मालिक को। देखो ऐसे मुंह चला रहा है कि कुछ लगेगा। चलो बस अब करो, दोनों कमरे से निकलो। दोनों ये वही नारियल है जो ये कल फोड़ रहा था और आज इसको पिलो बना के सोया हुआ था। किसने आत्महत्या की? पर ये वहां से यहां कैसे आई? भाई सीरियसली इतने दूर कर, मुझे ऐसा लग रहा है मैकडू ने लाया होगा इसको। भाई ये ना आत्महत्या कर गई। तो दिक्कत इनके साथ ये होता है ना कि ये लोग बहुत फास्ट मूविंग होती है, बहुत फास्ट मूविंग। ये जो आपको एलिगेटर देख रहा है, दीज आर साइमीज एलिगेटर्स एंड दीज आर वेरी फास्ट फिशेस। तो ये जब तेजी से भागती है तो इनको पता नहीं रहता हाँ मर गई ये लोग। गिफ्ट मेरे को नहीं पकड़ाओ, खालो खालो। ये फिश गिरा था बेटा, तू लेके क्या था? ये हमारा सीजर खा जाता है फिश, ये नहीं खाता। सीजर तो खा ही जाता है बट ये जो फिश है ना कहाँ गई? आपने कैसे पकड़ा है हाथ में, इसको छोड़ो डस्टबिन में। हाँ अभी छोड़ दूंगा ना, मैं बता रहा था कि ये वाली जो फिश है इसकी जिंदगी इस पे उधार है मैकड़ू पे, क्योंकि ये एक दिन ऐसे जंप मार गई थी और जंप मार गई ये स्पीकर के पीछे गिर गई थी और मैकड़ू उसके पीछे खड़ा था, ठीक है इसने देख लिया। तो ये बिल्कुल वहाँ पे खड़े होकर ऐसे देख रहा है और गुर्रा रहा है उसको। तो अचानक से मैं आया तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है वहाँ पे, जाके देखा तो ये फिश गिरी हुई थी। फटाफट मैंने इसको उठा के इसको थोड़ा सा ट्रीट करके टाइम से एक्वेरियम पे डाल दिया। तो ये आज देखो वो कितनी वो है। ये ना पहले भी आया था जब ये एलिगेटर गिरी है ना, तो ये यहाँ आ रहा था। तो मैं आपको बोल रही थी भीगी बिल्ली जैसा कर रहा है ये। हाँ। ये मुझे लगा एलिगेटर के लिए ही कर रहा था। इसमें लोग ऊपर कोई कवर है नहीं और पानी जो है एक्चुअली अभी मौसम की वजह से काफ़ी गर्म है, तो ये लोग थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाती है। और वो फिशेज बड़ी फास्ट है, आपस में ये लोग खेलने के लिए ना एक दूसरे को चेज़ करती है और चेज़ करते ही
एक दूसरे को चेज करेगी तो कभी क्या होता है ना कि ये लोग ग्लास में बहुत तेजी से टकराती हैं, और ग्लास में टकराने के बाद ये फिसलती है और सीधा ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो अभी मेरी कम से कम 3-4 तो ऐसे मरी चुकी है, लेकिन आई होप कि और ज्यादा ना मरे। और अभी सब बाहर इसलिए आ गई है क्योंकि इन लोगों को लग रहा है खाना बटेगा अभी। The next day. सबको गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, ऐसी गुड मॉर्निंग जिसको मिलेगी उसका तो दिन ही बन जाएगा, है ना? हाँ, आपसे जवाब मांगा है किसी ने? हाँ। और इधर चल रहा है अविनाश का ऑफिस का काम, यहाँ खेल रही है रीवा, और कोई तो ऐसा मुंह सड़ा के बैठा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये देखो, चूहा लगा लेगा आंखों में और मुंह सड़ा के बैठा हुआ है। अब रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगी किस बात पे, तो आपको भी बहुत हंसी आएगी। अविनाश ने वर्कआउट करके एग खाया और आज इसको वो एक एग नहीं मिला। एक एग के चक्कर में ये पूरा दिन यहीं बैठेगा आज, इसने सोच लिया, और मुंह सुजा के बैठा हुआ है यहाँ पे। आज किसी से बात नहीं करेगा, किसी से नहीं करेगा, फिर आज कहीं जाएगा भी नहीं हमारे साथ, क्योंकि हमसे तो गुस्सा है ना दोनों से। देख लो भाई साहब, आंखें देखो लाल गुस्से में। अविनाश से बहुत बातें करती है। क्या हो गया जी, क्या हो गया? हाँ, मजा नहीं आ रहा है? नहीं मजा आ रहा है आपको? नहीं मजा आ रहा है? इतनी नौटंकी है ये, अगर ये रो रही है और अविनाश ने इससे पूछ लिया क्यों रो रही है तो और रो के दिखाएगी। इतनी दिक्कतें हैं आपको, आपने पहले नहीं बताया? हाँ, बहुत दिक्कतें हैं ना लाइफ में, पर अभी तो शुरुआत हुई है बस। मुझे बड़ा एक्सप्लेन करके बता दी अपने लैंग्वेज। हो गया जी, हो गया। देखो ये इसका न्यू माइलस्टोन है, इसके छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हरकतें हमें बहुत खुश करती हैं। अभी उधर पलटना सीख रही है इधर उधर। वो आपको नहीं लेना, नो नो, वो भागो जाए। तुम दोनों लड़ रहे हो। अच्छा अब इसको मैं छुपा के लाके दिया था, यहाँ रखा तो बाबू का है ना। मैं आपके लिए लाई थी, दोनों के लिए इकट्ठे लाई थी, इसके लिए ये लाई थी और इसके लिए वो कुत्ता सा जो लेके घूम रहा है आजकल, फाड़ दिया ना उसको। उसको इसने फाड़ दिया, उसने संभाल के रखा, जिसने संभाल के रखा उसका कमरा रह गया। नहीं ऐसे मुझे प्यार करने से नहीं मिलता। देखो ये ले ही गया फाइनली, कितनी देर से हम इससे बचा के हमने रखा हुआ था। जैसे ही नानू आए हम सब बिजी हो गए इधर उधर, मौका पाते ही ये लेके अपनी बॉल रख दी है, एक्सचेंज कर रहे रीवा के साथ। ये गंजी बॉल वो क्या करेगी? बॉल तूने अपना वो कुत्ता तो फाड़ दिया, वो बेचारा पता नहीं उसकी लाश भी नहीं बची अब तो। गंदी बात करता है ना, अभी मांगने लायक हुई नहीं है, जब ये होएगी ना इस लायक फिर इसको बताई कि ऐसे बॉल खींचेगी ना तेरे। हाँ ऐसे तेरे बाल खींचेगी, ऐसे तेरे को मारेगी ना गंजे। देख ही नहीं रहा अविनाश, ये तो बिजी है उसको खाने में। एक तो अभी ये खींच रही थी, इसकी मूंछ आ गई मेरे हाथ में। लोग बोलते हैं कि कुत्ते की मूंछ और पूंछ खींचो तो काट लेते हैं, और ये तो कुछ ना काट रहा। देख देख क्यों लिया तूने, क्यों लिया रीवा का।